हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश रावत है और मैं स्टार एग्री फाइनेंस में बिजनेस हेड के पद पर कार्यरत हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमारे एग्रीकल्चर के कोर्स में, कृषि की जो हम पढ़ाई करते हैं, उसमें एक करियर ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो आता है बैंकिंग का। भारत सरकार के अंदर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सारे बैंक आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, उसमें से एक गाइडलाइन यह है कि हर बैंक को एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो फंडिंग करनी है वो एग्रीकल्चर फील्ड में करनी है और ये हर बैंक के लिए ज़रूरी है। इसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर बैंक को ये निर्देश दिए हैं कि आपको 18% लोन कृषि के क्षेत्र में देना पड़ेगा। तो उसके लिए हर बैंक को गाइडलाइन है, तो और हर बैंक को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे छात्र चाहिए जो एग्रीकल्चर को समझते हों, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अब एग्रीकल्चर से संबंधित जो फाइनेंस होता है, जिसको हम एग्रीकल्चर फाइनेंस बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आज मशरूम फाइनेंसिंग का कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आता है और मुझे ये नहीं मालूम कि मशरूम होता कैसे, मशरूम लगाया कहाँ जाता है, वो खेत में लगाया जाता है या किसी पर्टिकुलर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर किसी कमरे के अंदर लगाया जाता है, उसकी मार्केट कहाँ है, तो मैं उसको फाइनेंस कैसे करूँगा? फाइनेंस करने के लिए जब भी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस प्लान्स में सारे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं कि आप कहाँ से माल खरीदेंगे, कितना भाड़ा देंगे, कितने टाइम में फसल तैयार होगी, कहाँ बेचेंगे, तो जब आपको ये पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज होती है तो आप उसको फाइनेंस कर पाते हैं। तो पहला फाइनेंस जो आता है वो हम बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है उसमें क्या हम करते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कोई भी आपने सामान परचेज किया, आपको पैसा नहीं देना पड़ता, आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाता है और वो पैसा आप लगभग एक महीने से लेकर 50 दिन के अंदर बैंक को वापस दे देते हैं। यानी कि ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। आज आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत थी, आपने कार्ड स्वाइप किया, बैंक ने उसकी आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दी, आपने बैंक को एक महीने बाद पैसा वापस कर दिया। ऐसे ही किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसमें क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, बैंक में आपकी एक लिमिट बन जाती है। यानी कि अगर आपके पास समझिए कि 10 एकड़ की खेती है और आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है कि 10 एकड़ की खेती के लिए आपको खेती के लिए पैसा देना है, तो आप एक किसान की लिमिट बना देते हैं। आपने खर्चा लगाया कि अगर 10 एकड़ की खेती है तो इसमें इतना बीज लगेगा, इतना फर्टिलाइजर लगेगा, इरिगेशन में इतना पैसा लगेगा, आपने हिसाब लगाया कि इसको हार्वेस्टिंग में इतना पैसा लगा है, यहाँ से लेके मंडी तक ले जाने में, बेचने में इतना खर्चा आएगा, और उसके बाद जिस दिन किसान को सारा पैसा मिल जाएगा वो आपका लोन भर सकता है। एक बार किसान ने आपका लोन भर दिया, फिर वो अगली फसल लगाएगा। अब अगली फसल लगाएगा, उसको पैसे की जरूरत दोबारा होगी, उसके लिए हम एक किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट करके बैंकों में प्रोडक्ट है जो कि हम किसानों को देते हैं। अब इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि यह सिर्फ आपको उन चीजों के लिए मिलता है जो आपको रोजमर्रा की खेती में यूज करना है और आपको टेम्प्ररी यूज करना है। टेम्प्ररी से मेरा मतलब है कि अगर आपने कोई, आप फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो, कोई आप ऐसी चीज लेके नहीं आ रहे हो जो आपकी सालों साल चलेगी। अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अगर आपको जमीन लेनी है उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, ये आपकी उन चीज़ों के लिए है जिनसे आपका प्रोडक्शन होता है, बीज हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, आपके लेबर के पीछे खर्चे हो गए, आप अगर इरीगेशन के लिए वेल यूज़ करते हैं तो आपका बिजली का बिल हो गया, आपके लेबर एक्सपेंसेस हो गए, आपको अपना हार्वेस्ट करना उससे संबंधित खर्चा हो गया, वहाँ से लेके आपको ट्रांसपोर्टिंग के लिए मंडी तक लेके जाना उसका खर्चा हो गया। और जैसे ही आप कोई ऐसी चीज़ के लिए फाइनेंस करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, आपने खेत में कोई बहुत बड़ा ट्यूबवेल बना दिया या वाटर टैंक बना दिया, इसके लिए बैंक्स लोन देते हैं। वो लोन आप अपने प्रॉफिट के एक पार्ट में से बैंक को पे करते रहते हैं, जिसे हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। खेती के संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बैंक इस बात का ख्याल रखता है कि किसान की जो इनकम है, जैसे जैसे वो इनकम आएगी वैसे वैसे किसान
अपने बैंक की इंस्टॉलमेंट भरेगा। अब एक किसान की इनकम कैसे आती है? अगर आप मान लीजिए आप शुगर केन की फार्मिंग करते हैं, तो शुगर केन की फार्मिंग में फसल साल में एक बार आती है, यानी कि किसान के पास एक मुश्त पैसा आता है। जब शुगर केन की क्रॉप कटेगी तो उसके पास साल में एक बार पैसा आएगा, तो बैंक ये इंश्योर करेगा कि उसका रीपेमेंट भी साल में एक बार हो। आपके पास एक बार पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा। अब मान लीजिए आप गेहूं और धान की खेती करते हैं, तो गेहूं और धान की खेती करते हैं तो आपके पास साल में दो बार पैसा आएगा, जब गेहूं की फसल कटेगी, जब धान की फसल कटेगी। अगर आप मान लीजिए सब्जियां लगाते हैं और सब्जियां ऐसे लगाते हैं कि हर दो दो तीन तीन महीने में आपकी फसल निकलती रहती है, टमाटर निकल गया, फिर भिंडी निकल गई, फिर मिर्ची निकल गई, तो उसके हिसाब से। अब डेयरी फार्मर्स हैं, वो दूध बेचते हैं, उनके पास हर डेयरी से 15-15 दिन में पेमेंट आती है, तो उस ऐसे केसेस में बैंक उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट रख देता है। तो एक ये अलग तरीका फाइनेंस है जिसमें आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आजकल आपने अगर सुना होगा वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस के बारे में। किसान को अक्सर क्या जरूरत आती है कि आज उसने फसल निकाल ली और मान लीजिए कि आज फसल का भाव है, मान लीजिए आज गेहूं निकाला और गेहूं का भाव है आज 17 रुपए किलो, और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको अच्छे से समझते हैं, और किसान ने आके आपको कहा कि सर मेरी फसल आज 17 रुपए की है लेकिन ये 3 महीने बाद 20 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि आज फसल का अराइवल बहुत है, मार्केट में माल बहुत है, तो आज मुझे 17 रुपए मिल रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 महीने बाद मुझे इसका 20 रुपए मिलेगा। अब मैं 3 महीने के लिए इसके सामने फाइनेंस जाता हूँ। अच्छा, अब फसल के सामने फाइनेंस करना मतलब कमोडिटी के सामने फाइनेंस करना कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर एक प्रोडक्ट आया जिसको हम वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस बोलते हैं, जिसमें किसान अपना माल एक वेयर हाउस में रखता है, वेयर हाउस में रखता है, उसमें फिर कुछ कंपनीज हैं जैसे हमारी कंपनी है स्टार एग्री, हमें उस कमोडिटी की समझ है, हम उस कमोडिटी की क्वालिटी देखते हैं, उसकी क्वांटिटी देखते हैं, और उसके बेसिस पे एक रिसीट इश्यू करते हैं जिसमें हम सर्टिफाई करते हैं कि ये कमोडिटी की ये वैरायटी ये क्वालिटी इस वेयर हाउस में रखी हुई है। बैंक या फाइनेंस कंपनी उस वेयर हाउस रिसीट के सामने किसान को फाइनेंस देती है और वो जो भी फसल है वो फाइनेंस कंपनी को प्लेज हो जाती है। जैसे आपने समझो गिरवी, बैंक मकान गिरवी करते हैं या मॉर्गेज करते हैं, या फिर किसी की कार के सामने लोन दे दिया, ट्रैक्टर के सामने लोन दे दिया, तो उस पर लियन चढ़ा देते हैं, तो वो बैंक के पास आ जाता है। और जिस दिन फसल के भाव ऊपर पहुंच जाते हैं, किसान पैसा भर के अपनी फसल छुड़ा लेता है, तो उसमें क्या होता है कि फाइनेंस करने से किसान को जो बीच का प्रॉफिट है वो लेने के लिए उसको समय मिल जाता है और फाइनेंस भी मिल जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो बिजनेस की समस्या है वो है सीड मनी। कोई भी फसल तब लगती है जब उसको सीड मिलता है बोने के लिए। तो बिजनेस में सीड हम बोलते हैं जो स्टार्टिंग में जो आपको पैसा चाहिए। अगर आज आपको एक काम करने के लिए 100 रुपये की जरूरत है और आपके पास वो 100 रुपया है तो आप काम कर सकते हो, तो उसमें बैंकों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, बहुत योगदान रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझेंगे और फाली के माध्यम से अपना करियर, ना कि एक सफल बिजनेसमैन या सफल प्रोफेशनल, बल्कि आप एक सफल नागरिक बनके भारत की उन्नति में और भारत के स्पेशली कृषि क्षेत्र में आप अपना योगदान करेंगे और हमारे देश को एक अच्छा देश बनाने में योगदान करेंगे। धन्यवाद। मैं रविराज बल्लाल, मैंने मेरा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है राहुरी यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने मेरा करियर एग्रीकल्चर फाइनेंस में स्टार्ट किया। मैंने कुछ बैंकों में काम किया और अभी मैं सस्टेनेबल एग्रो कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पे एज हेड क्रेडिट काम कर रहा हूँ। मैं आपको एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ।
एग्रीकल्चर फाइनेंस का इम्पोर्टेंस, इसका महत्व भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 70% लोग किसान है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा प्रकल्प के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। किसान क्रेडिट कार्ड में जो विकास सेवा सोसाइटी होती है गांव में, वो फाइनेंस करती है। इसके अलावा सरकारी बैंक्स है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो भी फाइनेंस करती है। विकास सेवा सोसाइटी का ब्याज दर जो होता है वो लगभग 7-8% तक होता है और बाकी बैंकों का ब्याज दर 12-13% तक होता है। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान जो क्रॉप लेते हैं उसके लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए उसका खाद रहता है या कोई पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसके लिए दिया जाता है। जो प्रकल्प फाइनेंस रहता है वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट लोन होता है या कोई ग्रीन हाउस या ड्रिप इरिगेशन पाइपलाइन या वेल रिपेयर, वेल मेंटेनेंस, ऐसे अलग अलग तरह के लोन दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई किसान सेवा केंद्र कोई खोलना चाहता है उसके लिए भी लोन दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं टर्म लोन। इसको एक पीरियड रहता है, पर्टिकुलर पीरियड में उसको बैंक को ये कर्जा ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। और किसान क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि हर साल में इसका रिन्यूअल होता है, हर साल के अंत में ब्याज किसान को चुकाना पड़ता है और ये फिर से रिन्यूअल होता है। इसका जो वर्किंग होता है, कौन सा पीक किसान ले रहा है उसके ऊपर रहता है। जैसे कोई गन्ना ले रहा है तो गन्ना के लिए उस पर्टिकुलर जिले में जो रेट है, जो कल्टीवेशन का रेट है, उस हिसाब से एक कमेटी रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, जो सब बैंक मिलके और कलेक्टर ऑफिस से ये कमेटी रन होती है। तो ये सब मिलके हर पीक के लिए एक रेट फाइनल करते हैं। वो रेट के ऊपर किसानों को कितना कर्जा और कितना ब्याज देना चाहिए ये तय होता है। इस हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड चलता है। प्रकल्प फाइनेंस में क्या होता है, जो कोई प्रकल्प, जैसे मानो कि कोई ग्रीन हाउस करना चाहता है तो ग्रीन हाउस के लिए 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसमें 70% या 75% तक फाइनेंस बैंक देती है और बाकी का पैसा जो है किसान को खुद लगाना पड़ता है। ऐसे उसको मार्जिन मनी किया जाता है। तो मार्जिन मनी और बैंक का कर्जा, ऐसा सब मिला के प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ये प्रोजेक्ट के लिए 5-9 साल तक का समय दिया जाता है कर्जा ब्याज सहित वापस करने के लिए। इसके जो इंस्टॉलमेंट रहते हैं वो 6 महीने या सालाना रहते हैं। तो ये बैंक और ये प्रोजेक्ट एंड किसान, ये सब मिलके तय करते हैं। खेत के रिलेटेड जो कर्ज रहते हैं या प्रकल्प के लिए दिए हुए जो कर्ज रहते हैं उसको क्रॉप जैसे हार्वेस्ट होता है, जैसे क्रॉप निकलता है उस हिसाब से उसको रिपेमेंट दिया जाता है। जिस महीने में क्रॉप हार्वेस्टिंग होता है उसके बाद के महीने में उसका रिपेमेंट दिया जाता है। इसका कारण यह है कि किसानों को कर्जा वापस करने के लिए आसानी हो। जैसे छोटे किसान है, छोटे किसान के लिए अगर कोई आपको बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई बैंक लोन नहीं देगी। इसका कारण यह है कि उसका इनकम देखा जाता है, कितना उसे आपको आमदनी आने वाला है, आपके पास कौन से क्रॉप्स है। अगर मान लो कि आपके पास 3 एकड़ ही जमीन है और उसमें आप ग्रेप्स या पोमोग्रेनेट ले रहे हैं तो इसका इनकम ज़्यादा होता है, तो इसलिए बैंक आपको एक प्रोजेक्ट के लिए लोन दे सकती है। जैसे पॉलियोस आप कर रहे हैं तो इसका 40 आर यानी 1 एकड़ तक लोन दे सकती है। अगर 3 एकड़ जमीन है और इसके ऊपर सिर्फ सीजनल क्रॉप्स है, जैसे कपास ही ले रहे हैं आप, तो इसका इनकम कम रहता है तो बैंक आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं देगी। वो एक तो आपको 5-10 आर के लिए लोन देगी। तो आपका इनकम कितना एग्जिस्टिंग है, आप प्रोजेक्ट कौन सा करने वाले हैं, उसमें कौन सा क्रॉप ले रहे हैं, इसके ऊपर बैंक इनकम निकालती है। इसके बावजूद आपके पास पहले कौन से लोन है, उसके आपने कैसे रिपेमेंट किया है, ये भी सब देखा जाता है। ये सब देखने के बाद बैंक फाइनल करती है कि ये किसान को कितना कर्जा देना है। बैंक एक ही देखती है कि आपका प्रोजेक्ट कैसे भी करके सक्सेसफुल होना चाहिए ताकि आप बैंक का भी पैसा चुका सके और आप भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। किसानों ने खेती के अलावा सपोर्टिंग बिजनेस भी करना चाहिए। डेयरी बिजनेस कर सकते हैं या कोई गोट फार्मिंग कर सकते हैं। इससे आपको खेती के अलावा भी इनकम जनरेट होगा। जैसे कोई ट्रैक्टर ले सकता है, ट्रैक्टर लेके उसका आपको इनकम जनरेट होगा, खुद का खेत भी आप जोत सकते हैं और उसका रेंटल इनकम आपको मिल सकता है।
ट्रैक्टर के साथ बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स आते हैं अलाइड बिजनेस, जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, आप इससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। तो ये देखना जरूरी है, सिर्फ आप खेत में एक क्रॉप लेंगे और उसी के ऊपर आप डिपेंड हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको उससे ही सफिशिएंट इनकम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप साइड बिजनेस जितना करें उतना आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा और आपकी तरक्की उतनी ही ज़्यादा होगी। किसान जैसे फर्टिलाइज़र रहते हैं या पेस्टिसाइड रहते हैं, इसका व्यापार कर सकते हैं। जो कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है उसका, जैसे कपास है, कपास सब किसानों का आप लेके बड़े कोई मार्केट में आप उसको बेच सकते हैं, इसमें आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। और ये अगर आप 2-3 साल एक्टिविटी करते हैं और ये बैंक को दिखाते हैं तो बैंक इसके ऊपर आपको अलग से लोन फैसिलिटी दे सकता है। उसके बाद जो इम्प्लीमेंट्स रहते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसका भी आप डीलरशिप ले सकते हैं। तो जितने जितने किसानों के लिए इक्विपमेंट्स है या कोई फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड लगता है तो आप इसका डीलरशिप अलग अलग कंपनी का ले सकते हैं। आप ट्रेडिंग अगर करेंगे, कोई फ्रूट क्रॉप है उसका आप ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 गांव से आप सब हार्वेस्टिंग करके बड़े मार्केट में अगर इसको सप्लाई करते हैं तो इससे आपको अच्छा आमदनी हो सकता है। आप शुरू ट्रेडिंग से कर सकते हैं, एक बार आपका नेटवर्क, आपका बिजनेस बढ़ने के बाद, आपका इनकम बढ़ने के बाद आप इसमें फ्रूट, स्मॉल स्केल्स फ्रूट प्रोसेसिंग या वेजिटेबल प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, ये आगे जाके कर सकते हैं। शुरू के ज़माने में बैंक्स बहुत कम थी तो किसानों को कर्जा मिलने में बहुत दिक्कत आती थी। तो किसान क्या करता था, गांव में कोई साहूकार से कर्जा लेने की कोशिश करता था, उससे कर्जा लेता था अपनी ज़मीन उधर गिरवी रख के। मगर बहुत से किसानों ने इसमें अपनी ज़मीन गंवा दी। आज के तारीख में बहुत से बैंक्स है, सरकारी बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, किसानों के लिए बहुत से ऑप्शंस है। तो आप साहूकार के पास न जाते हुए बैंक में जाइए। इसका कारण यह है कि बैंक जो आपको ब्याज लगाती है वो बहुत कम रहता है, साहूकार जो आपको ब्याज लगाती है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, उसमें आपको जो इनकम आता है वो इनकम से आपको बैंक का ब्याज भी देना है, आपके लिए भी मुनाफा कमाना है। तो इसीलिए ब्याज जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है। और दूसरी एक बात है कि आपको कितना जल्दी लोन मिले ये भी आपको देखना है। इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप 2-3 बैंक के पास जाए, किसको कितना समय लगता है, कौन क्या ब्याज दर दे रहा है, ये सब देख के आप आपका डिसीजन ले सकते हैं और साहूकार के पास न जाते हुए बैंक से ही आप कर्जा ले सकते हैं। नाशिक, साईंच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेला शिर्डी तालुका नाशिक मधलाच। या शिर्डी तालुक्यातल्या एका छोट्याशा गावाचं नाव आहे नांदुरखी। माझं नाव अमृत बाबासाहेब चौधरी। मी 2 वर्षापासून शेती व्यवसायाकडे वळलो, त्यापूर्वी मी गाडी धंदा करत होतो। शेती व्यवसायाकडे वळल्यानंतर माझ्याकडे जमीन कमी, माझी जमीन सगळी 2.5 एकर, जमीन 2.5 एकर असल्यामुळे माझी पूर्वी परंपरागत जी शेती होती ती करत होतो। तर त्यानंतर मी गुलाब शेतीकडे वळलो, फुल शेती मी करू लागलो। तर त्यामध्ये मला असं पाहिजे असं प्रॉफिट होत नव्हता। सरकारची जी आपली NHM मार्फत स्कीम निघाली 50% सबसिडीवरती शेडनेट, तर त्यासाठी मी अर्ज केला। तर अर्ज केल्यानंतर मला फ्री सँक्शन लेटर मिळालं सरकारचं। लेटर मिळाल्यानंतर मी माझ्या बँकेच्या प्रोसेसला लागलो। तर क्षेत्र कमी आणि क्षेत्र माझ्या आजीच्या नावावर असल्यामुळे मला कोणतीही बँक लोन द्यायला तयार होत नव्हती। मी शिर्डीमध्ये खूप बँक होत्या, तर प्रत्येक बँकेकडे जायचो तर ते मला डायरेक्ट नाही सांगायचे की होऊ शकत नाही तुमचंवालं लोन, तुमच्या आजीच्या नावावर क्षेत्र आहे, तुमचं क्षेत्र कमी आहे। यामुळं मी खूप नाराज झालो। शेडनेट करणारे जे डीलर होते तर त्यांनी मला खूप सहकार्य केलं। त्यांनी मला नगरला श्री कृष्णा गावटे सर यांच्याशी भेट करून दिली। त्यांनी मला सांगितलं मी तुमचं लोन मंजूर करतो। लोन माझं 8 दिवसामध्ये त्यांनी मंजूर केलं। तर 8 दिवसामध्ये लोन माझं मंजूर झाल्यानंतर माझं शेडनेटचं काम चालू झालं।
माझं शिक्षण कृषी विभागातलं नसल्यामुळं माझं 12वीपर्यंत शिक्षण झालेलं. मला तर त्याबद्दल काही माहितीच नाही. शेडनेटमध्ये एक क्रॉप कुठलं घेतलं जातं, काय घेतलं जातं, पण मला आवड तर खूप होती. तर त्यानंतर मला श्री सफलचे श्रीकृष्ण गावटे सर यांनी सांगितलं का पुण्याला तळेगाव दाभाडे इथं नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इथं तुम्हाला शेडनेटची पूर्ण ट्रेनिंग मिळेल. त्यानंतर मी तिथं जाऊन 8 दिवसाची ट्रेनिंग घेतली. 8 दिवसामध्ये मला तिथं खूप अशी माहिती मिळाली. खूप माहिती मिळाल्यानंतर मी चांगल्या प्रकारे ट्रेन झालो. त्यानंतर मी पहिलं क्रॉप घेतलं, तर त्यामध्ये मी पहिलं सिमला मिरची घेतली. तर सिमला मिर्चमध्ये मला 3 महिन्यामध्ये 2.5 लाखाचं उत्पन्न मिळालं. तर 2.5 लाखामध्ये मी माझी पाण्याची व्यवस्था कमी होती, तर पाण्याची व्यवस्था केली. त्यामध्ये मी शेततळ्याचं काम करून घेतलं. मी गाडी पण घेतली. गाडी पण मी याच्या धंद्यासाठी घेतलेली आहे. सफलमुळं तर माझं जीवनच सार्थक झालं. डियर फली स्टूडेंट्स, आपकी स्टोरी के बारे में मैंने काफ़ी सुना, बहुत इंस्पायरिंग लगा. क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटी जगह से आता हूँ, अलवर राजस्थान. हमारा जो परिवार है उसमें हमेशा से ही एग्री बिजनेस रहा हुआ है. मतलब मेरे फादर जो है एग्री बिजनेस में सरसों का कई ट्रेडिंग का काम करते हैं और आज भी करते हैं अलवर में. और हमारी मंडी में शॉप थी. क्लास 10th से मैंने अपनी मंडी शॉप पे जाना शुरू कर दिया था. उनका बैंकिंग काम, उनका अकाउंटिंग, प्लस वो कैसे ऑपरेशन करते हैं, धीरे 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 ये हमारी एक छुट्टियों की एक्टिविटी होती थी उस समय. तो धीरे धीरे मेरे को बिजनेस वहाँ से सीखने को मिल गया. फिर धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी. पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं बॉम्बे आया. बॉम्बे आने के बाद मैंने अपना मुंबई यूनिवर्सिटी में MBA कंप्लीट करा. उसके बाद मैंने रिलायंस में मेरी जॉब लगी. रिलायंस में मेरा कोई खास मन लगा नहीं. एक साल के अंदर अंदर मैंने रिलायंस इन्फोकॉम टेलीकॉम जो कंपनी है उनकी, उसको मैंने छोड़ दिया. उसके बाद कमोडिटी मार्केट में NCDX एक्सचेंज है वो आया था. तो मुझे लगा कि मुझे इसमें जॉब करनी चाहिए क्योंकि अब इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं. तो मतलब मुझे लगा कि मैंने देखा कि टाइमली कि कमोडिटी मार्केट में काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं. इसका मतलब कि इस सेक्टर में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है और ये एग्री से जुड़ा हुआ सेक्टर है. और हमारे देश में 50-60% लोग एग्री पे डिपेंड रहते हैं और इतना बड़ा एग्री का उत्पादन है. अगर हम खाली कमोडिटीज़ कैश क्रॉप्स की बात करें जिसमें धान, ग्रेन्स, व्हीट ये सब आते हैं, उसका लगभग 6 लाख करोड़ का उत्पादन है. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कोई इसमें बड़ी कंपनी नहीं है. तो मैंने सोचा कि मैं इसमें काम करता हूँ. उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं वापस बॉम्बे से अलवर गया. अलवर जाकर मैंने अपना सोचा कि इसमें क्या काम हो सकता है इसमें. तो उसी समय मुझे कुछ ICICI बैंक के अधिकारी मिले. उन्होंने कहा कि हमें प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग करनी है. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? प्राथमिकता वाले क्षेत्र जहाँ पे सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक लैंड करें. तो एग्री उसमें से एक आता है. एग्री में सेफ क्या लैंडिंग हो सकती है? तो जैसे पता लगा कि भाई वेयरहाउस में माल रखकर उस पर अगर यदि बैंक पैसा दे तो काफ़ी सेफ है. पर बैंक को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ये सारी चीज़ मैनेज करे. तो मैंने बैंक के लिए वो मॉडल डेवलप करा. मैंने वहाँ पे वेयरहाउस किराए पे लिए सबसे पहले अलवर में मेरी प्लेस पर. और बैंक को बोला कि भाई आप जो है इसमें जो भी माल आए इस पर आप फाइनेंस करिएगा, मैं वेयरहाउस रिसिप्ट इशू करूँगा. बैंक बोले कि नहीं नहीं हम कैसे आप पे कर सकते हैं, आपने अगर मान लो कोई दूसरी रसीदें इशू कर दी और उसमें माल नहीं हुआ तो हम तो बॉम्बे बैठे हैं, कैसे करेंगे हम. फिर मैंने उनको अपना विश्वास दिलाने के लिए मैंने उनको अपना घर प्लेज करा. हमारा छोटा सा घर था जिसकी वैल्यू उस समय होगी कोई 15-20 लाख रुपए. तो बैंक को भी विश्वास है. उन्होंने मेरी शुरू में 1 करोड़ रुपए की लिमिट बनाई. तो किसान और ट्रेडर्स वो आते थे हमारे वेयरहाउस में, अपना माल रखते थे, हम वेयरहाउस रिसिप्ट काटते थे और वो फाइनेंस होता था. तो धीरे धीरे बैंक को मॉडल समझ में आया. तो उन्होंने मेरी 1 करोड़ वाली लिमिट 10 करोड़ कर दी उसी प्रॉपर्टी के ऊपर. फिर हमने अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ाया. 10 वाली लिमिट उन्होंने 50 करोड़ कर दी. एक साल बाद हमने और बिजनेस अपना बढ़ाया. काफ़ी साइकिल चर्न हो गई. पूरा प्रोसेस हमने बिल्ड करा कि कैसे माल आएगा. सब चीज़ हमने डॉक्यूमेंटेशन करी कि कैसे माल आएगा, कैसे उसका रसीद कटेगी, क्या क्वालिटी चेक होगी, कैसे मूल्यांकन होगा, ये सब हमने चेक करना शुरू करा. उसके बाद फिर उन्होंने हमारा जब बिज़नेस मॉडल इनको इतना पसंद आया कि उन्होंने हमारी जो बिज़नेस रिलेशनशिप है 500 करोड़ की कर दी. तो 500 करोड़ की कर दी तो हमारा काफ़ी, हमने पूरे राजस्थान में वो बिज़नेस शुरू करा. इसी बीच उनके और भी पार्टनर्स थे मेरे तरह,
जो मेरे बिजनेस में पार्टनर हैं, अमित मुंडावाला, अमित खंडेलवाला एंड सुरेश गोयल, अलग अलग शहरों में वो कर रहे थे। तो ICICI बैंक ने बोला यार आप सब मिलके काम करो, तो हम सब लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाई, इसका नाम है स्टार एग्री 2007 में। फिर हमने ये एम बनाया कि हम इसको काफ़ी बड़ा करेंगे, तो हमने फिर अपना वेयर हाउसिंग स्टार्ट करा, हमने वेयर हाउस खुद के किराए पर लेने शुरू करे साथ में, जो पहले हम लोगों के वेयर हाउस रख लेते थे थर्ड पार्टी वेयर हाउस, फिर हमने अपने वेयर हाउस लेने शुरू करे, हमने एक शहर, दो शहर, तीन शहर, चार शहर, इस तरह से स्टार्ट हमने करा। फिर हमने प्रोक्योरमेंट सर्विस स्टार्ट करी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कमोडिटीज़ खरीदती हैं जैसे ब्रिटानिया वह वीट खरीदती है, उनसे हमने संपर्क करा कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का वीट दिलवाएंगे, आपकी लिए हम लैब सेटअप करेंगे। तो हमने शहरों में कई मंडियों में छोटी छोटी लैब सेटअप करी क्वालिटी के लिए, वो हमारा इनोवेशन था। हमने फिर लैब के थ्रू माल बेचना शुरू करा किसानों का, हमने कोई मतलब ट्रेडिंग का रिस्क नहीं लिया, हम सप्लाई चेन बिजनेस मतलब मीन्स कमीशन पे। तो हमारा आइडिया ये था कि हम कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम और इस तरह की मतलब जो बैंकों को और जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको जो सर्विस सेक्टर में कमोडिटी में चाहिए वो हम देंगे। इसका फिर हमने पूरा नामकरण करा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने करते हुए एक शहर से स्टार्ट करा, फिर हमने दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें राजस्थान कम्प्लीट करा, फिर हमने हमारी ब्रांच महाराष्ट्र में खोली अकोला में, फिर हमने नांदेड़, लातूर, जलगांव, MP, ऐसे करते करते आज हम लगभग पूरे देश में इस तरह का काम करते हैं और आज इस क्षेत्र की हम सबसे बड़ी कंपनी है। रफली हमारी कैपेसिटी, वेयर हाउस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो अब आपकी तरफ आते हैं कि आप सोचोगे यार मैं कैसे करूँगा ये काम, तो धंधा कभी भी पैसे से नहीं चलता, पैशन से चलता है। पैसा तो आ ही जाता है अपने आप, अगर आप में के अंदर पैशन है कोई भी आपको कैपिटल देने के लिए आ जाएगा। और जिस तरह के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आज हम हैं, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कभी नहीं आया था। पहले इंडिया में पूंजी देने के लिए, कैपिटल देने के लिए प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं थे, आज वो अवेलेबल है। कोई भी अच्छा बिजनेस मॉडल होता है तो देते हैं। स्टार्टअप का फैशन आ गया पिछले 10 साल से, आप देखो कि स्टार्टअप्स जितनी तरक्की कर रहे हैं शायद कोई नहीं कर रहा। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं एग्री में भी और नॉन एग्री में भी, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स ने सिर्फ क्या नाम से 50-60 हज़ार से बिजनेस शुरू कराए और जाके वो बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। जैसे आज हमारा टर्नओवर भी काफ़ी 1000 करोड़ प्लस है। तो हमने भी बहुत शुरुआत, हमने जब हमारी कंपनी में पैसा लगाया था सब चारों लोगों ने मिलकर, हार्डली 2-2 लाख रुपये लगाया था और हमने फिर उससे करा। तो इसी प्रकार यदि आप में पैशन है और किसी चीज़ को अगर आप ठान लेते हो करने का है तो वो होती है। स्टार एग्री आपके लिए हर तरह से ओपन है, हर तरह से आपके लिए आपका स्वागत करता है। अगर आप अपना कोई भी, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टार एग्री आपको हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। और जैसे मैंने बताया आपको एग्री एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यदि आप अपने आपके फार्मर्स आपके पास लैंड है काफ़ी बड़ी, उसमें एक छोटा वेयर हाउस ले लोगे तो स्टार एग्री आपका वेयर हाउस किराए पर ले लेगी और आप वहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कुछ भी। तो हम तो हर तरह से ओपन है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्री एंटरप्रेन्योर इस देश में आए। थैंक यू। Hello everybody, I am Arvind Sonmale, I am the MD and CEO of Sustainable Agro Commercial Finance Limited, better known as SAFL. SAFL is a non-banking finance company which is a pure play on agricultural finance. In simple words, whatever finance a farmer requires, SAFL is there at hand to give him whatever he requires for financing his agriculture operations. In terms of finance, generally, as you must be aware, the finance field is a sought-after field, but those are the attractive ones where people would like to join a bank, more preferably, let's say, a private sector bank, where the impression is that it is extremely lucrative to begin with, apart from having a greater exposure. So finance as such, whether it's that or a public sector bank or it's a non-banking finance company, these are areas where many of youngsters would like to pick up as a career choice. There are no strict kind of straitjackets which say that you must be a BCom or you must be BSc Agri, a graduate, but more importantly, you should have a passion and you should have a basic knowledge of what agriculture is and a passion as far as committing yourself to agriculture is concerned. That is extremely important. More importantly, you are addressing a very large part of our population which is engaged in agriculture, lives in rural areas, and apart from that, not only does it make good business sense, but it makes you feel a sense of satisfaction that you contributed to the growth of the Indian economy. I would certainly recommend without hesitation
that if any of you have an opportunity to get into agricultural finance, grab it with both hands. That's the, you can do nothing worse than that. As far as SAFL is concerned, the vision for SAFL that we have had is that it should be the last word or the first word of recall for any farmer. Any need that a farmer has, whether it is in terms of the crop loan, term loan, personal loan, anything that he needs, the first name of recall should be SAFL. We would like SAFL to be a byword in the entire rural landscape of this country, so that we are in our own way able to meet all his requirements to make his life SAFL, just as we as a company are called SAFL. Hi, my name is Mark Kahn, and I'm the founding partner of an investment fund called Omnivore. We are India's leading investors in startups that are developing breakthrough innovations for food, agriculture, and the rural economy. We've been around investing since 2011. Our first fund was a 260 crore fund, and our second fund now should be close to 600 crore. We support small businesses, startups, that are trying to bring innovation, new technologies, to Indian farms. We also support food startups, food processing startups, that are sourcing from directly from farms and adding value and then bringing those products to consumers. If I were to give you some examples of the kinds of companies that we invest in, the kinds of entrepreneurs that we support, a really good one would be EcoZen. EcoZen is based at Hinjewadi, just outside of Pune. And it was founded by three young engineers who were all at IIT Kharagpur in West Bengal. They were all college friends. And they had an idea. They were studying some were in agricultural engineering, some were mechanical engineering, electrical engineering. But they have this idea that farmers should be able to store fruits and vegetables on their farms rather than trying to bring them to market and seeing much of their produce spoil, and rather than assuming that they can store in towns where space in the cold storage or even a cold storage at all may not be available. So they said, what if they had this idea, what if the cold chain could start at the farm itself, not in the district headquarters, not in the city, but on the farm? And while they were still in the institute, they started designing prototypes of what they wanted to build, which they called micro cold storage. Now it has a brand called EcoFrost. We first came across these students in 2012. In 2015, we invested, and just this last year, they crossed 50 crore in revenue. They are probably the fastest growing company we've ever invested in. And if you can imagine in India, where every farmer or every group of farmers has the ability to not sell at harvest, to hold whatever they're growing. It's for fresh produce, right? So pomegranate, strawberries, you know, any high value produce, fresh produce item, and sell 1 month later, 2 months later, 3 months later, when prices are 50% higher, 100% higher, sometimes 500% higher. It's a very powerful technology. It's about the size of a shipping container, 20-foot shipping container. It's solar powered, and it pre-cools. And all the farmer has to do is tell the machine what he or she is storing, and it will adjust the pre-cooling and cooling in line with what's required for that crop. And so this is the kind of startup that we think really has the potential to transform agriculture in India.